आकाशदीप भारत के नया तेज गेंदबाज अभी अभी इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में डेब्यू किए हैं। आकाशदीप आते आते ही अपने बॉलिंग पर सभी को कायल कर दिया क्योंकि आकाशदीप पहले सेशन में ही 3 विकेट ले चुके थे। तो आइए आकाशदीप का कहानी जानते हैं आज फेमटेज की जुबानी। नमस्कार, स्वागत है आपका फेमटेज पर। आज बहुत दिनों के बाद हम फेमटेज के जुबानी एपिसोड फर्स्ट को लॉन्च कर रहे हैं। आकाशदीप का जन्म बिहार राज्य के सासाराम शहर के बड्डी नामक एक छोटे से गाँव में जन्म हुआ, जहाँ पर आकाशदीप को 2003 के वर्ल्ड कप से ही क्रिकेटर बनने का जुनून चढ़ा। फिर से आकाशदीप अपने गांव के आसपास चोरबड़ी आलमपुर तरफ क्रिकेट जमकर खेलने लगे। कि आकाशदीप बचपन से ही क्रिकेटर बनने का सपना रखे थे, तो जैसे जैसे बड़ा हो रहे थे आकाशदीप अपने दिल में इस सपने को पाल कर बड़ा कर रहे थे। आकाशदीप अपने क्रिकेट जर्नी का पहला शुरुआत अपने शहर सासाराम से ही क्रिकेट अकेडमी में जाकर किया, जो कि न्यू स्टेडियम में था। 3 साल खेलने के बाद आकाशदीप को लगा यहाँ तो क्रिकेट का कोई माहौल ही नहीं है, क्योंकि बिहार एसोसिएशन को BCCI के थ्रू रद्द कर दिया गया था। बिहार को आता ही नहीं था क्रिकेट के दुनिया में। तो आकाशदीप ने फैसला किया कि अगर क्रिकेटर बनना है तो बाहर जाना ही पड़ेगा। तो आकाशदीप अपने दोस्त के पास न्यू दिल्ली चला गया और वहीं से आकाशदीप क्रिकेट की सफर शुरू किए हैं। लेकिन वहाँ भी 4 से 5 महीना खेलने के बाद उनको वो अच्छा नहीं लगा, तो वहाँ से भी आकाशदीप चेंज करने को सोचे। उनका फ्रेंड सर्किल में से एक और उनका दोस्त बंगाल रहता था, तो फिर आकाशदीप वहाँ से शिफ्ट हो गए बंगाल। लेकिन उसी दौरान आकाशदीप के जीवन में बहुत ही बड़ा घटना घट गया। आकाशदीप ने अपने पापा को खो दिया और उसके कुछ महीने बाद ही आकाशदीप अपने बड़े भैया को भी खो दिया, जिसके बाद आकाशदीप का सफर एकदम से रुक गया था। एकदम से वो घुट कर जीने लगे थे क्योंकि उनकी जिंदगी एकदम ब्लैक एंड व्हाइट हो गया था। लेकिन कुछ महीना बाद जब आकाशदीप ओवरकम किए, उनके अंदर क्रिकेट का जोश फिर से जगा, तो बंगाल में क्लब के लिए खेलना शुरू कर दिया, जहां पर आकाशदीप काफी शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। उसी बीच बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के कोच और अशोक डिंडा के बीच फाइट हो जाता है। अभी कोच ने भी तान लिया कि रोड से उठाकर स्टार बना दूंगा लेकिन तुझे नहीं खिलाऊंगा। तभी कोच का नजर आकाशदीप पर गया और उसी दौरान आकाशदीप को बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के लिए चुन लिया, रणजी खिलाने लगा। रणजी में सिलेक्ट हो जाने के बाद भी आकाशदीप ने अपना परफॉर्मेंस शानदार रखा। 5 विकेट और 50 रन के बदौलत उन्हें मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। आकाशदीप का रणजी में लगातार शानदार प्रदर्शन के बदौलत उन्हें IPL में RCB ने 20 लाख के बेस प्राइस पर खरीद लिया। आकाशदीप RCB के लिए भी कुछ मैच खेला है, जिसमें रोहित शर्मा को आउट किए हैं। और अब आकाशदीप को इंटरनेशनल स्तर पर इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में चुन लिया गया, जहां पर राहुल द्रविड़ के 313वां कैप थमाकर आकाशदीप को डेब्यू कराया गया, जहां पर आकाशदीप ने अपना करियर का पहला टेस्ट का पहला सेशन में ही 3 विकेट झटक कर सभी का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करने पर मजबूर कर दिया। ऐसे आकाशदीप का जर्नी अभी काफी लंबा होने वाला है। ऐसे आपको कैसे लगते हैं आकाशदीप प्लेयर, कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक एंड फेमटेज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।